सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स एज यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप भी राशिद खान को खतरनाक गेंदबाज मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने किंग्स इलेवन पंजाब की टीम को आईपीएल 2020 के 22वें मुकाबले में 69 रनों के अंतर से हरा दिया। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 201 रन बनाए। इस लक्ष्य के जवाब में किंग्स इलेवन पंजाब की टीम 16.5 ओवर में मात्र 132 रन के स्कोर पर ही ऑल आउट हो गई। आपको बता दें कि आज हैदराबाद की टीम की तरफ से डेविड वार्नर और जॉनी बेयरस्तो ने लाजवाब बैटिंग करी। उन्होंने अपनी टीम के लिए 160 रनों की साझेदारी की। वार्नर ने जहां 40 गेंदों में 52 रन तो वहीं जॉनी बेयरस्तो ने 55 गेंदों में 97 रन बनाए। दोस्तों, इन्हीं दोनों खिलाड़ियों की बदौलत हैदराबाद की टीम 201 रनों के विशाल स्कोर पर पहुंच पाई। आपको बता दें कि पंजाब की टीम के सिर्फ निकोलस पूरन ने 37 गेंदों में 77 रन की शानदार पारी खेली, जिसकी वजह से पंजाब की टीम 132 रन बना पाई। अगर निकोलस ये पारी नहीं खेलते तो सोचिए पंजाब की टीम आज कितने कम रनों पर ऑल आउट हो जाती। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि इस बड़ी जीत के बाद राशिद खान ने भी अपना बयान दिया है। राशिद खान ने आज कमाल का प्रदर्शन करते हुए 12 रन देकर 3 विकेट झटके हैं, लेकिन उन्हें मैन ऑफ द मैच नहीं दिया गया और जीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान देते हुए राशिद खान भावुक भी हो गए। आपको बता दें कि राशिद खान ने अपनी जीत पर कहा कि आज हमारी टीम ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया, हमने हर डिपार्टमेंट में अच्छा खेल दिखाया। हमारी टीम के लिए डेविड वार्नर, जॉनी बेयरस्तो ने आज जिस तरह की बल्लेबाजी करी है उसने सभी का दिल जीत लिया। शुरू में वार्नर ने जहां धीमी पारी खेली तो वहीं जॉनी बेयरस्तो ने 97 रनों की अहम पारी खेली और 201 रन का इतना बड़ा स्कोर बनाने के बाद हमारी टीम कॉन्फिडेंट थी कि हम इसे बचा लेंगे और हमने ऐसा ही किया। दोस्तों, राशिद खान ने आगे कहा कि शुरू में हमने पंजाब की टीम के मेन बल्लेबाज केएल राहुल और मयंक अग्रवाल का विकेट लेकर पंजाब की टीम पर दबाव बना दिया। इसके बाद जब मैं गेंदबाजी करने आया तो उस समय निकोलस पूरन बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन मुझे पूरा भरोसा था कि अगर मैं उन पर दबाव बना लूंगा तो वो मेरे गेम पर आउट हो सकते हैं और 15वें ओवर में मैंने ऐसा ही किया। मैंने उन्हें छक्का मारने वाली गेंद नहीं डाली, साथ ही जब 4 गेंद खाली निकल गई उसके बाद उन्होंने मेरी गेंद पर बड़ा शॉट लगाना चाहा, जिस पर वो फंस गए और आउट हो गए। निकोलस पूरन का विकेट हमारी टीम के लिए सबसे अहम था, इसी वजह से आज हम इस मैच में इतने बड़े अंतर से जीत पाए। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही के दिनों में जब राशिद खान को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया तो उस समय वो काफी भावुक हो गए। उन्होंने अपने माता पिता को याद करते हुए कहा था कि मैंने 1 साल पहले अपने पिता को खोया था, वहीं 4 महीने पहले मेरी माँ का भी देहांत हो गया। मेरे लिए ये समय बहुत ही दुखदाई था और मैं अब सारा ध्यान क्रिकेट पर लगा रहा हूँ। मैं अपने माता पिता को बहुत मिस करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो जहाँ भी हैं खुश रहें। दोस्तों, इतनी बात कहकर वो भावुक हो गए थे। लेकिन दोस्तों, राशिद खान के इतने दमदार प्रदर्शन के बाद आप सभी उन्हें 10 में से कितने नंबर देंगे, इस बात का जवाब नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। साथ ही ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।